बाहर जाके आप लोगों को बताता हूँ कितना गर्म होता है, मस्त अंडा फ्राई करके बताऊंगा गाइस आप लोगों को, रोड पे अंडा डाल के कैसा फ्राई होता है, कितना गर्म है इधर वो। सब्सक्राइब कीजिए जैगवार 2.0 चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ में और एक न्यू एनर्जी के साथ में और एक न्यू कंटेंट के साथ में। गाइस कंटेंट जो है पुराना नहीं रहना चाहिए, कंटेंट न्यू रहना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त हम लोग क्यों आए हैं, तो बोलने का मतलब है कि रात के 3:15 बज रहे और 2:30 बजे जो है मैं शिफ्ट मेरी ख़त्म करके आया हूँ, ख़त्म करके आया और बहुत ऐसा थका हुआ फील कर रहा था मैं कि बस यार अब 5 दिन और चेक किया वीडियो को, 5 दिन हो गए और मुझे पता भी नहीं चला कि यार पुराने वीडियो को मेरे 5 दिन हो भी गए। तो गाइस पता तो चलता ही नहीं है, इधर की जो गल्फ़ की जो ज़िंदगी है यार बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, फास्ट है बोलने का मतलब यार जाओ आओ ख़त्म हो जाता है। मतलब कैसी ज़िंदगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सिर्फ तुमको आना है, सोना है, उठने के बाद में फिर शिफ्ट पे जाना है, फिर काम पे ड्यूटी पे जाना है और आने के बाद फिर से सो जाना है। तो यही कुछ ज़िंदगी है कि जो परदेश में आप बैठे हैं अपना आप भुला बैठे हैं, कुछ इस तरीके की जो है ज़िंदगी है यहाँ पर। तो गल्फ़ की जो ज़िंदगी है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि यहाँ पे कैसे हम लोग रहते हैं और कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक्चुअल में जो है गल्फ़ का जैसे कोकनी लोग, हमारे कोकन के लोग और बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव रखते हैं कि यार गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना है और वहाँ पे जाके जैसे मतलब सोने के महल होते हैं, कुछ इस तरीके की फीलिंग्स रहती होंगी, वहाँ जाने के बाद काम कितना अच्छा होता है। तो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, ये बस सोचने वाली बात है अपन के लिए, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से है कि जहाँ पे अपनी रोज़ी है अपने को वहाँ पे तो जाना ही पड़ता है। किस्मत है, मुसलमान लोग हैं अपन तो बिलीव रखते हैं अल्लाह के ऊपर, तो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ही सारी सारी चीज़ें करने वाला वही है, हम तो सिर्फ बंदे हैं उसके और अपने हिसाब से तो हम जी नहीं रहे, अल्लाह की तरफ से ही होता है सब कुछ। तो बोलने का मतलब कि आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं कहीं से एक्चुअल में होता क्या है मालूम है, मैं सोचता हूँ कुछ और आप लोगों से बात करने का और मैं बात करते हो कहीं और निकल जाता हूँ। मतलब जब जो चीज़ मैं बनाने के लिए आता हूँ वो चीज़ तो मैं बना लेता हूँ, वो तो मैं बना ही लेता हूँ, लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए जैसे 9 मिनट का 8 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मैं 40 से 50 मिनट तो सिर्फ बोलता रहता हूँ, क्योंकि कभी कभार मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या से क्या बोल गया, कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ। मतलब बातों में ऐसा ही हो जाता है, मैं बात करने कुछ और आता हूँ और कुछ और बातों में यहाँ वहाँ की बातों में घुस जाता हूँ और फिर बाद में उसको कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है मेरे लिए। लेकिन यार आप लोगों के प्यार के लिए और आप लोगों के लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप लोग भी उसी तरीके से प्यार दिखाओ जैसे आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में, जो मैंने कहा था कि मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है और उसके अंदर क्या ही आप लोगों ने प्यार दिखाया था, क्या ही कमाल और धमाल दिखाया था, व्यूज़ अलग थे, कमेंट्स जो थे उसके ऊपर बहुत ही आप लोगों ने बहुत प्यारे कमेंट्स किए थे। तो गाइस आज जो है मैं वो कमेंट्स पढ़ने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ, कि आप लोगों के सामने जो मेरे सपोर्टर्स है वो लोग ने जो कमेंट्स किए थे इतने प्यारे प्यारे, तो गाइस वो आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँगा मैं और बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया आप लोगों का इस मोटिवेशन के लिए। और वो भी लोग जो कमेंट नहीं किए, जो पर्सनली मुझे मैसेज किए कि भाई मत छोड़ और वीडियोस बना, और बहुत सारे लोग जो मुझे मिले कि यार क्यों छोड़ रहा है, क्या हुआ ऐसा, तो बहुत सारे लोगों को जो है ना समझ में नहीं आया कि एक्चुअली मैं हुआ क्या और मैं क्यों छोड़ने की बात कर रहा था। तो गाइज़ मैं आप लोगों को एक और वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में वो बात करूँगा, बिकॉज़ एक साथ में सारी चीज़ें करूँगा तो ना मुझसे होगा कुछ ना आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे ऊपर आप लोगों को जो है लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट जाके देख सकते हो। मुझे थोड़ी सर्दी फील हो रही है बिकॉज़ बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, 47 डिग्री, 49 डिग्री इस तरीके की गर्मी है बाहर, और फिलहाल जो है वॉइस क्वालिटी बेटर रहने के लिए मैंने AC भी बंद किया हुआ है, लेकिन AC बंद करने के बाद में गाइस प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, क्योंकि AC की आदत लग चुकी है और बाहर गर्मी भी बहुत है, तो रूम भी कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। यहाँ की लाइफ इजी नहीं है गाइस, मेरे ख्याल से तो इजी नहीं है, अगर आपका दिमाग बना हुआ है तो आपके लिए इजी है, अगर आपका दिमाग नहीं बना हुआ है तो गाइस यहाँ की लाइफ बहुत मुश्किल है। बट हम लोग जो है, मैं बोल रहा हूँ ना कि गल्फ़ की लाइफ, फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कहाँ से मैं शुरू करूँ। एक्चुअली मैं मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है शुरू करने के लिए कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए, इतनी सारी चीज़ें क्या ही बताओ यार, देख सकते हो आप लोग, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, थोड़ा
थोड़ी देर बाद मिलते हैं, थोड़ा एसी चलाते हैं, गर्म हो रहा है रूम बहुत। मैं आप लोगों को बताया ना 47-50 डिग्रीज तक रहता है यहाँ पर, तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं गाइस। 3:28 AM सो गाइस बैक टू एक्शन, आ चुके हैं हम लोग। और इस बार अगर वॉइस क्वालिटी अगर थोड़ा सा गंदा है लाइक बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एसी मैंने बंद नहीं किया है, बिकॉज एसी बंद करके मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया अभी 3 मिनट पहले, इससे पहले गाइस बहुत मुश्किल हुआ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ मेरे लिए। लोगों को बताया 47 डिग्री चल रहा है, तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद गाइस अभी हम लोग चलते हैं बिना वक्त को ज़ाया करते हुए हमारे कमेंट्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा धमाकेदार आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, तो गाइस उसके कमेंट के ऊपर रिप्लाई करना तो बनता था मेरा, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आए थे और इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिखाया था, तो ये तो बनता ही है ना। तो गाइस चलते हैं, पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कमेंट आया था ASW मुरूट, जो भी मेरा भाई है, जो भी उसका ईमेल है Murud987 भाई ASW, बहुत लोग इसको बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो मेरे भाई वालेकुम सलाम सबसे पहले तो। और ASW मत लिखा करो गाइस, अस्सलाम वालेकुम पूरा लिखने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो उसको अस्सलाम वालेकुम लिखा करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ASW मैं मुझे समझ में आ रहा है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो अजान इसी के साथ में जो है अजान जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज़ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार अभी जो है रूम के मेरे कुछ मेंबर्स है जो नमाज़ के लिए उठेंगे, तो गाइज़ मुझे जो है अकेलापन ज़्यादा पसंद है वीडियोस बनाने के लिए, और ऐसे भी मुझे अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कोई उठे उससे पहले जो है हम लोग फटाफट से इस वीडियो को शुरू करके ख़त्म भी कर देते हैं। लाइक कमेंट्स जो पढ़ना था, जो जिसके अंदर सबसे पहले आते हमारे मुरूड, जो भी उनका ईमेल एड्रेस था मुरूड, उस पर लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम क्या हुआ भाई। तो भाई जो भी हुआ, जो वीडियो में आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं एक और वीडियो उस पर बनाया हूँ, और अगर नहीं आया तो फिर मैं एक और वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगा फिर से कि एक्चुअल में क्या हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई लिंक मिल जाएगा, जाके देखना, और फिर भी नहीं समझ में आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ पे जाके मुझे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा कमेंट आता है वो जैन हुक्के बरदार भाई, सबसे पहले तो थैंक यू, हर किसी का थैंक यू जिसने मेरे चैनल पे आके मेरे वीडियो पे आके कमेंट किया और मुझे मोटिवेट किया कि भाई बना। वैसे तो मैं सीरियसली बताता हूँ आप लोगों को एक चीज़ कि गाइस मुझे जो मोटिवेशन है ना वो खुद से है, ठीक है, मुझे मोटिवेशन खुद से है सबसे पहली बात, बट फिर भी ये आप लोगों के लिए शुक्रिया। मेरे अरबाज़ भाई वीडियो डालते रहो, इंशाल्लाह होगा मोनेटाइज, तो भाई सबसे पहले तो मोनेटाइजेशन तो छोटी सी चीज़ है, हो जाएगा इंशाल्लाह एक दिन। मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ था उसको लेके, मोनेटाइजेशन को लेके, लेकिन फिर अब ओके हूँ इंशाल्लाह। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, वीडियोज़ को शेयर करते रहो, तो क्या ज़रूरत है मोनेटाइजेशन की, मुझे बस आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो गाइज उसके बाद में आता है तीसरा कमेंट हमारे तौसीफ कासकर भाई का, भाई फुल सपोर्ट, भाई फुल सपोर्ट, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपका कमेंट देख के। तो भाई शेयर भी करो उस तरीके से इस वीडियो को भी, इंशाल्लाह साथ में आगे बढ़ेंगे। कैस तलवस्कर भाई तू वीडियो बनाना छोड़ मत, बस वीडियो डाल तेरा इंशाल्लाह चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगेन भाई मोनेटाइजेशन के लिए नहीं मर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट दिखाओ, बस वीडियोज़ को शेयर करो, बहुत ज़्यादा शेयर करो, आप लोगों के लिए मर रहा हूँ भाई, मोनेटाइजेशन के लिए नहीं मर रहा हूँ। मोनेटाइजेशन छोटी सी चीज़ है, कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नहीं होती है उससे। जो मोनेटाइज होने के बाद में जो इनकम हुई थी, एक दिन आप लोगों को बताता हूँ कि इनकम कितनी हुई थी मेरी मोनेटाइजेशन के बाद में, पूरा डिटेल वीडियो मोनेटाइजेशन के बाद का वो भी बताऊँगा मैं आप लोगों को कि इतनी इनकम किया था मैं। एक आधे के स्क्रीनशॉट शायद मेरे पास होगा, जो भी डॉलर मेरे पास जमा हुए थे, इतने सारे जो डॉलर जमा हुए थे उसके, मैं बताऊँगा आप लोगों को कितना था वो, या मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जो है मैं पोस्ट कर दूँगा। तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आतिफ हुक्के बरदार कैमरामैन सॉरी कोई नहीं भाई, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो, आप लोग दुआ करते रहो। उसके बाद आते हैं हमारे नाइफ हद्दादी, इट्स ओके ब्रो, अप डाउन्स लाइफ में आते रहेंगे, मेहनत करते रहो इंशाल्लाह, मेहनत तो चल रही है भाई, सपोर्ट की ज़रूरत है, बस आप लोगों की ऑडियंस की ज़रूरत है, ऑडियंस लाओ, आप लोग ही ला सकते हो जो वीडियोस डेली देखते हैं। यार डेली जब भी वीडियोस देखते हैं एक शेयर का बटन है, 3 लोगों को शेयर करो, जिस तरीके से अपनी चैन चल रही है 3 लोगों को शेयर करना है तो 3 लोगों को शेयर कर देना। और मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि गाइस फजर की अजान हो चुकी है, मुझे नमाज के लिए भी जाना है, और जैसे अकेलापन मैंने आप लोगों को बताया
कोई उठ जाएगा, वीडियो मेरा कट हो जाएगा, फिर दूसरे दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। तो उसके चलते मैं जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा और जल्दी से ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद भाई सिद्दीक जो भी है भाई, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आया, जो भी नाम लिखा हुआ था मूसा सिद्दीक पता नहीं जो भी था भाई। नो वरी ब्रो, फॉलो योर पैशन, यू विल गेट सक्सेस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग इस तरीके से सपोर्ट दिखाओ तो ज़रूर ज़रूर। उसके बाद आते हैं हमारे टेस्ट नोट। इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली स्ट्राइक बैक, कीप फेथ इन योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड शाइनिंग। अरे भाई मेरे भाई, ऐसा दिल दिल ऐसे ऐसा कर रहा है यार, काँप रहा है। थोड़ा स्लो होने के बाद में थोड़ा फास्ट हो रहा है। इस तरीके के कमेंट्स देख के ना ताकत, एक ताकत महसूस होती है कभी कभी यार, कर सकते हैं कुछ तो। इंशाल्लाह आप लोग, मैं हर कमेंट के बाद में बोल रहा हूँ यार, आप लोग ही हो जो मुझे सक्सेस दिला सकते हो चांद। गाइस शेयर करना और लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करना। इसके बाद इंशाल्लाह गल्फ़ की स्टोरी बताऊंगा मैं, स्टोरी हर किसी की, मेरी अकेले की नहीं, हर किसी की। हर कोई जब गल्फ़ में आता है क्या मुश्किल उसको फेस करना पड़ती है। मैं इसी पे आता हूँ यार, नेक्स्ट टॉपिक का मैं आप लोगों को बता के रखता हूँ पहले से ही, ताकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आप लोग भी देख सको गल्फ़ की लाइफ को। बाहर भी जाके थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, गर्मी जैसे ही कम होंगी उसके बाद इंशाल्लाह बाहर भी जाऊँगा मैं। अभी बाहर जाऊँगा एक दिन, ऐसा बाहर जाके आप लोगों को बताता हूँ कितना गर्म होता है। मस्त अंडा फ्राई करके बताऊँगा गाइस आप लोगों को, रोड पे अंडा डाल के कैसा फ्राई होता है, कितना गर्म है इधर, वो आप लोगों को बताऊँगा मैं। एक वीडियो उस पर बनाऊँगा इंशाल्लाह। कमेंट करके आप लोग बताना कि वैसा वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो मैं बताऊँगा वो भी। तो गाइस उसके बाद हमारा लास्ट कमेंट आता है स्ट्रेंजर। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, फुल सपोर्ट, थैंक यू, थैंक यू स्ट्रेंजर, थैंक यू हर किसी को जिस किसी ने कमेंट किया। तो इस वीडियो पे भी उस तरीके से प्यार दिखाना, कमेंट करना और सब्सक्राइब के बटन पे चप्पल जूते सब मारना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना क्योंकि हम लोग 2K के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं अभी। तो गाइस 2K भी जल्दी से जल्दी करवा दो, शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।